चलो भाई, आज का टॉपिक है मेरा, उस टॉपिक का नाम है कटर। क्या है बेटा कटर? कटर का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेन को कट करना, अगर एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस। पेपर को कट करने वाला 2D कटर होगा। पेपर को कट करने वाला क्या होगा बेटा? 2D कटर। सही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पेपर को कट करने वाला क्या होगा? 2D कटर। पेपर को कट करने वाला क्या होगा? 2D कटर। सही है, अगर आपको एक्स और वाई प्लेन को कट करना है तो क्या यूज करोगे? 2D कटर। यानी कि आप हाई पावर लेजर इस्तेमाल करोगे टू कट द टू एक्सेस। एक होगा एक्स एक्सेस और एक होगा वाई एक्सेस। बट अगर आपको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को कट करना है, हाँ, अगर आपको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को कट करना है तो आप क्या यूज करेंगे बेटा? 3D कटर। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब हाइट कहलाएगी वाई, विड्थ कहलाएगी एक्स, और ये जो मोटाई है ना, इस मोटाई को तुम क्या बोलते हो बेटा? जेड एक्सिस। तो तीनों प्लेन को अगर एक्स वाई और जेड प्लेन को कट करना है तो तुम कौन सा कटर यूज करोगे बेटा? 3D कटर। दैट मींस एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को अगर कट करना है तो तुम क्या यूज करोगे बेटा? 3D कटर। ये देखिए बेटा, ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है ना, ये 3D ऑब्जेक्ट जिससे भी कट हुआ है, बताओ कौन से कटर से कट हुआ है? 2D कटर से, 3D कटर से? 3D कटर। सही है, ये जो आपके पास डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट कट होगा वो तो कौन से कटर से कट होगा? 3D कटर से। ठीक हो गया, तो मैंने आज आपको 2D कटर और 3D कटर करवा दिया। अगर किसी भी पेपर को या किसी भी एक फ्लैट सरफेस को कट करना है तो किससे होगा? 2D कटर से कट होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना है तो वो ऑब्जेक्ट किससे कट होगा? 3D कटर। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसका नाम है एक्चुएटर। एक्चुएटर इज अ मोटर। एक्चुएटर क्या होती है बेटा? मोटर। एक्चुएटर क्या होती है बेटा? मोटर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? मेरी आवाज क्लियर है? अमित सर की एनी प्रॉब्लम? चलो, जी सर, क्लियर है आवाज। अच्छा मैंने कहा एक्चुएटर एक आपके पास मोटर होती है। हाँ, देख लो एक्चुएटर की डायग्राम, देख लो, एक्चुएटर इज मोटर। एक्चुएटर इज मोटर, ये दो मोटर है आपके। हाँ, मोटर का फंक्शन क्या होता है या एक्चुएटर का फंक्शन क्या होता है? एक्चुएटर का फंक्शन होता है कुछ काम करना, टू डू समथिंग। एक्चुएटर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर। एक्चुएटर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर विच कैन डू समथिंग, जिसका काम होगा कुछ करवाओ। सही है, ये एक्चुएटर के अंदर देख लो, एक्चुएटर में क्या इन्वॉल्व होंगे बेटा? सेंसर। और सेंसर में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक था मॉनिटरिंग सिस्टम और एक था क्या? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन्ड बाय एक्चुएटर, आप बोलना एक्चुएटर इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर टू डू समथिंग या विच इज यूज टू ऑपरेट और कंट्रोल समथिंग। एक्चुएटर या मोटर के अंदर सेंसर इन्वॉल्व होंगे। सेंसर के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कंट्रोल सिस्टम और एक होगा क्या? मॉनिटरिंग सिस्टम। एम एच आके, व्हाट इज एक्चुएटर? वन लाइन में बताओ। सर, ये ऑपरेट करते हैं किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज को। सही, और इसका काम क्या होता है बेटा? इट इज अ मोटर और समथिंग, मोटर टू मोटर डू स्टार। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? लाउड स्पीकर। भाई लाउड स्पीकर में और माइक्रोफोन में क्या फर्क? दोबारा सुन लो, लाउड स्पीकर में और माइक्रोफोन में क्या फर्क? लाउड स्पीकर में जो इनकमिंग होगी वो इनकमिंग क्या होगी बेटा? एनालॉग। लाउड स्पीकर में जो इनकमिंग होगी वो क्या होगी बेटा? एनालॉग। लाउड स्पीकर में जो डेटा बाहर निकलेगा वो किस में निकलेगा? डिजिटल के अंदर। दैट मीन्स लाउड स्पीकर एनालॉग साउंड को कन्वर्ट करता है किस में बेटा? डिजिटल में, बाय यूजिंग द कन्वर्टर एडीसी। बाय यूजिंग द कन्वर्टर एडीसी। बट इसी के अपोजिट होता है लाउड स्पीकर, सॉरी माइक्रोफोन में। हाँ, माइक्रोफोन में एनालॉग साउंड एडीसी से कन्वर्ट होगी किस में कन्वर्ट होगा? डिजिटल में। बट लाउड स्पीकर में उल्टा है, लाउड स्पीकर में डिजिटल साउंड इनपुट होगा और वो डीएसपी से कन्वर्ट होके फाइनली किस में हो जाएगा बेटा? एनालॉग। दोबारा सुन लो, माइक्रोफोन में एनालॉग साउंड कन्वर्ट होता है डिजिटल में,
लाउड स्पीकर में डिजिटल साउंड कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, एनालॉग में। माइक्रोफोन में एनालॉग से डिजिटल में जाने के लिए कन्वर्टर एडीसी। लाउड स्पीकर में डिजिटल से एनालॉग में जाने के लिए कन्वर्टर डीएसी। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, लाउड स्पीकर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अच्छा अब ये डायग्राम देखें। लाउड स्पीकर में चूंकि डेटा डिजिटल में आएगा, डिजिटल से डीएसी में कन्वर्ट होने के बाद एनालॉग में हो गया। एनालॉग के साउंड की इंटेंसिटी कम है, साउंड को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इज यूज टू इंक्रीज द साउंड, एम्पलीफायर इज यूज टू इंक्रीज द साउंड, और वो जो कानों में बजेगा वो किससे बजेगा, लाउड स्पीकर। इसके स्क्रीनशॉट लेने और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। बच्चों को मसला तो नहीं है? चल नहीं सर। नेक्स्ट, आपके पास जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टर। क्या है बेटा प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर का मतलब होता है किसी भी डिस्प्ले को लार्ज करके या तो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखाना या वॉल पे दिखाना। प्रोजेक्टर का मतलब अ डिवाइस और प्रोजेक्टर डिस्प्ले आ कंप्यूटर आउटपुट टू द वॉल और टू द लार्ज स्क्रीन। किसी भी चीज को बड़ा करके वॉल पे या लार्ज स्क्रीन पे दिखाना कौन सी डिवाइस का काम है बेटा? प्रोजेक्टर। पता है ना ये बात आप, किसका काम है बेटा? प्रोजेक्टर। भाई प्रोजेक्टर की दो टाइप्स होती हैं, पहली टाइप होती है डीएलपी और दूसरी टाइप होती है क्या, एलसी। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें, स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं समझाऊं। डाल दिया सर। गुड। आइए, डीएलपी प्रोजेक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर, हाँ, और एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर आपके पास प्रिज्म होगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर क्या करेंगे, चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे। रिफ्रैक्ट का मतलब एंगल को बेंड करेंगे, रिफ्लेक्ट का मतलब एंगल को क्या करेंगे, बेंड करेंगे। मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर के अंदर 16 मिलियन डिफरेंट कलर इस्तेमाल, कितने मिलियन कलर इस्तेमाल होगा, 16 मिलियन डिफरेंट कलर इस्तेमाल। मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर में हाई क्वालिटी इस्तेमाल होगी और मतलब जो रिजल्ट होगा, सॉरी, इस प्रोजेक्टर का, डीएलपी प्रोजेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हाई क्वालिटी। और ये डीएलपी प्रोजेक्टर क्या होता है बेटा, एक्सपेंसिव, हाई क्वालिटी और एक्सपेंसिव। एलसीडी प्रोजेक्टर में आपके पास ये चक्कर होगा, जरा देखिएगा, आपके पास एक रे आएगी, उसके अंदर रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा और ब्लू पिक्सल भी होंगे। रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल मिक्स होके आ रहे, रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल किसमें आ रहे होंगे बेटा, मिक्स होके। प्रिज्म क्या करेगा, सबको अलग अलग पिक्सल में सेपरेट करके, सबको अलग अलग पिक्सल में सेपरेट करके, प्रिज्म में सबको अलग अलग सारे पिक्सल को जो मिक्स हुए हुए हैं इनको सेपरेट करके, अलग अलग करके, इनलार्ज करके शो कराएगा कहाँ पर, वॉल, कहाँ पर, वॉल। बट एलसीडी प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छी किसकी होती है बच्चों, डीएलपी। किसकी होती है बेटा, डीएलपी। एम आई क्लियर, एनी प्रॉब्लम? इसको डिटेल में अभी समझा, आज डिटेल डायग्राम दिए, ये रिपीट एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर, सॉरी, डीएलपी प्रोजेक्टर। डीएलपी प्रोजेक्टर का मतलब होता है लाइट प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। डीएलपी प्रोजेक्टर में सेंटर में आपके पास लेंस होगा, देख रहे हो भाई, लेंस के अंदर छोटे 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 मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर, ये जो लेंस है ना, इस लेंस के अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर लगे हैं। सही, जो लेजर आएगी वो इन मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर से बैंड होगी। बैंड होने को बोलते हैं रिफ्रैक्ट करना, बैंड होने को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट करना, बैंड होने को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट करना। लाइट जब इससे पड़ेगी बैंड होके कहाँ चली जाएगी बेटा, लाइट जब इससे पड़ेगी किस पे, मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर पे, बैंड होके कहाँ चली जाएगी, फॉल। लाइट जब इस पे पड़ेगी बैंड होके कहाँ चली जाएगी बेटा, फॉल। मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे पड़ेगी बेटा, स्क्रीन। एवरीवन क्लियर, यस और नो?
एलसीडी प्रोजेक्टर की, डीएलपी प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है बेटा? हाई क्वालिटी। और ये क्या होता है? एमएस बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ग्रुप पे डाल दें। मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर इस्तेमाल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी डालो। चलो नेक्स्ट जो प्रोजेक्टर आपके पास होता है वो होता है एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर में जो लाइट आपके पास आती है, उस लाइट के अंदर तीनों पिक्सेल आपस में क्या होते हैं बेटा? कंबाइन होते हैं। आरजीबी पिक्सेल क्या होंगे बेटा? कंबाइन होंगे। आरजीबी पिक्सेल क्या होंगे बेटा? कंबाइन होंगे। प्रिज्म क्या करेगा? सेपरेट करेगा पार्टिकल्स को या पिक्सेल को। प्रिज्म क्या करेगा? सेपरेट करेगा ग्रीन को अलग, रेड को अलग, ब्लू को अलग, ग्रीन को अलग रे में और रेड को अलग रे में और ब्लू को अलग, हर रेस को अलग अलग करके इनलार्ज करके आपकी स्क्रीन पे या आपकी वॉल पे इनलार्ज करके डिस्प्ले करेगा। और इस प्रिज्म वाले प्रोजेक्टर का नाम होता है क्या? एलसीडी। क्या होता है बेटा? एलसीडी। इन एलसीडी प्रोजेक्टर आपके पास कंबाइन होते आरजीबी के पार्टिकल आते हैं, आपके पास इस आरजीबी के पार्टिकल को सेपरेट करके इनलार्ज करके डिस्प्ले कराएगा किस पे बेटा? स्क्रीन पे। एलसीडी प्रोजेक्टर लो क्वालिटी का होता है, इसकी जो क्वालिटी होगी उतनी अच्छी नहीं होगी और ये एलसीडी प्रोजेक्टर चीप होता है। थ्री लेयर्स ऑफ चेंजिंग पिक्सेल इज अ वर्ड। बच्चे स्क्रीनशॉट डालें ग्रुप पे। बच्चों प्रोजेक्टर में कोई मसला तो नहीं है? चैट पे बताएं यस और नो। प्रोजेक्टर में कोई मसला तो नहीं है? चैट पे बताएं यस और नो। अहमद, मुनीफ, जवेरिया। नहीं सर। प्रोजेक्टर आसान है मुश्किल है? आसान है सर। आसान है ना, ये है असल प्रोजेक्टर का ओवरव्यू। लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर आर देयर। डीएलपी प्रोजेक्टर मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर से लाइट क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट होगी। 60 मिलियन डिफरेंट कलर हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर हाई क्वालिटी का होगा, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोजेक्टर होता है वो एलसीडी का होता है। एलसीडी प्रोजेक्टर में प्रिज्म इस्तेमाल होगा टू सेपरेट द कलर। प्रिज्म के अंदर क्रोमेट्रिक कोटेड मिरर होगा। प्रिज्म किससे बना हुआ होगा? क्रोमेट्रिक कोटेड मिरर से, जिससे जो रेड ग्रीन ब्लू की लाइट है वो क्या हो जाएगी? Everyone clear? Can we move to the next topic of output devices? Yes, sir. Yes, sir. Challenge. Our last topic of output devices is LCD screen or monitors. LCD screen or सबसे पहले monitors की, ये जो मैंने आपको लेक्चर बना के दिया भाई ना, सारे पैसे इस लेक्चर के हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें फिर मैं आपको समझा। बड़ी मेहनत से बनाया मैंने। यार मैं पिक्चर खींच रहा था।
मेरी आवाज आ रही क्लियर? सर तो बता दें जरा ऑडियो जी सर। बेटा मॉनिटर की ना चार टाइप होती है, एक होती है ओल्ड टाइप। ओल्ड टाइप के अंदर आपके पास जो टेक्नोलॉजी आती है उसका नाम है CCFL। क्या नाम है बेटा? CCFL। CCFL स्टैंड फॉर कैथोड क्लोराइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ऐसे कुछ, ठीक है। CCFL के अंदर आपके पास याद नहीं पहले डब्बे हुआ करते थे, टीवी के डब्बे होते थे जिनकी विड्थ जो थी वो बहुत बड़ी, सही है। तो वो कहलाता है कैथोड रे। और ये CCFL तो बुक में है ही नहीं कहीं। बिल्कुल है बेटा, आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। नॉट इन योर सिलेबस लिखा भी है ना मैंने छाई लिखा। जी जी सर। मैंने कहा CCFL पहले पुराने वाले बड़े डब्बे डब्बे होते थे ना, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन फायर होगी। क्या फायर होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन फायर होंगे और स्क्रीन पे जाके डेटा बने, सही है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस लेते थे तो हमने इसको सिलेबस से हटा दिया और ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। हमने ये जो इसकी विड्थ है उस विड्थ को कंप्रेस करके फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी बनाई है मॉनिटर की, उसका नाम क्या है बेटा? LCD। क्या है बेटा? LCD। LCD का जो डिस्प्ले होता है वो क्या होता है? एकदम फ्लैट पतला होगा, क्रिस्टल टर्न हो रहे होंगे बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब क्या होता है? जिसमें से नजर नहीं आता, नॉट बी एबल टू सी थ्रू, सही है। और ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से आप आर पार देख सकते हो, दैट मींस एबल टू सी थ्रू। क्रिस्टल्स कैन बी टर्न बिटवीन ओपेक और ट्रांसपेरेंट लेंस। LCD के अंदर छोटे 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 पिक्सल बने हुए हैं और इसका जो डिस्प्ले आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा? क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा डिस्प्ले आ रहा है बेटा? क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक हो गया। LCD के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ LCD, लो पावर कंजप्शन, कूल है टेम्परेचर इसका, कूल रहता है, ब्राइट कलर है और LCD की जो रेजोल्यूशन है वो पिक्सल और कॉलर पिक्सल क्या होते हैं एग्जाम अच्छे। बच्चों CCFL तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, LCD सबको समझ आ गया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब देखो LCD के बाद एक और आया, LCD के अंदर जो LCD को पीछे से लाइट प्रोवाइड करता है, LCD को जो पीछे से लाइट प्रोवाइड करेगा उसको बोलूंगा LED। क्या बोलूंगा? LED। LED provide backlit system. LED provide backlit system. किसको बेटा? LCD को। LED provide backlit system. सर ये क्या होता है backlit system? अभी बता रहा बेटा, आपने कुछ ऐसे बोर्ड देखे साइन बोर्ड, साइन बोर्ड पे ना ऐसे लिखा हुआ होता है, ये लेट सपोज अगर लिखा हुआ ना आगे, उसके पीछे लाइट जल रही होती है बल्ब, हाँ देखा बल्ब जल रहा है जी सर। ये जो बल्ब होता है ये क्या कर रहा होता है? इसको ग्लो करवा रहा होता है ना, इस साइन बोर्ड को क्या कराएगा? ग्लो। तो ये जो पीछे बल्ब लगा हुआ है ना इसको बोलेंगे बैक लाइटिंग, और बैक लाइट को आसान अल्फाज में बोलते हैं बैक लिट। क्या बोलते हैं बेटा? बैक लिट। जिसका काम होता है स्क्रीन को ग्लो करवाना। स्क्रीन को क्या करवाना बच्चों? ग्लो करवाना। हर बच्चों को बैक लिट सिस्टम समझ आ गया? साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं ना बैक लिट वाले, पेप्सी का साइन बोर्ड लगा हुआ होता है ना, बैंक का साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, पीछे लाइट जल्दी होती है। एवरीवन क्लियर बच्चों व्हाट इज बैकलिट? जी सर। बच्चों सबको समझ आ गया बैकलिट क्या होता है? बता ही नहीं रहे मुझे सर। आ गया समझ आ गया। ये तुम्हारे पास LCD, LCD को पीछे से जो बैकलेट प्रोवाइड करेगा उसका नाम होगा LED। LED प्रोवाइड बैकलेट सिस्टम, LED प्रोवाइड बैकलेट सिस्टम टू किसको बेटा? LCD। एवरीवन क्लियर? यस और नो? यस सर। आइए भाई LED के, चलो अब मैं LED के बारे में पढ़ा रहा हूँ, LED के बारे में सुन लो। LED क्या करता है? बैकलिट सिस्टम होता है। LED प्रोवाइड बैकलिट सिस्टम किसको बेटा? LCD। LED गिव ब्राइटर कंट्रास्ट और ब्राइटनेस। LED से पावर कंजम्पशन क्या होगी? कम होगी। कलर एकदम VIP होंगी और VIP और चिकने कलर को आप बोलते हो विविड कलर। LED के जो वेट होगी वो क्या होगा? थिन और लाइटर। सब बच्चों को
CCFL. LOL. सर वो मुनीब वेटिंग रूम में है, आप प्लीज उसको एंटर कर दें क्यों सर। वो थोड़ा मेरे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो भी बेटा लास्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है OLED. क्या नाम है बेटा? OLED. आइए, OLED आपके पास एक ऐसी स्क्रीन होती है जो कर्व में होगी. आप लोगों ने अभी तक LCD देखी है ऐसी जो कर्व में होगी? हाँ, जी जी सर, ऐसी LED देखिए देखी है जो कर्व में होगी? देखिए हाँ बिल्कुल, ऐसी LED जो कर्व के अंदर होगी, एकदम VIP लग रही होती है, उसका नाम है क्या? ऑर्गेनिक LED. क्या नाम है बेटा? ऑर्गेनिक LED. कर्व स्क्रीन TVs आर ऑर्गेनिक LED. ऑर्गेनिक LED के अंदर किसी और से वो बैकलिट नहीं लेता, वो अपना बैकलिट खुद बनाता है. OLED contains सेल्फ बैकलिट सिस्टम. सेल्फ बैकलिट सिस्टम, जब वो अपना बैकलिट खुद बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? OLED. OLED बैकलिट सिस्टम अपना खुद बनाता है, किसी और से नहीं लेता. बट LCD जो है ना, LCD जो है वो बैकलिट सिस्टम LED से लेता है. LCD जो है वो बैकलिट सिस्टम किससे लेता है? LED से. बट OLED इज अ सेल्फ कंटेन्ड बैकलिट सिस्टम. OLED क्या है बेटा? अपना बैकलिट सिस्टम खुद बनाता है. OLED ब्राइटर होता है, नॉट रिक्वायर एनी बैकलिट सिस्टम, वेरी थिन होगा, और क्या होगा? फ्लेक्सिबल. एवरीवन क्लियर? ये सुन लो, तो सबसे अच्छा कौन है भाई? सबसे अच्छा, सबसे OLED बेहतरीन कौन है बेटा? OLED. फ्यूचर टेक्नोलॉजी किसकी है बेटा? OLED. करेंटली हम क्या यूज कर रहे हैं? LCD विद द बैकलाइट सिस्टम ऑफ OLED. एवरीवन क्लियर? ये सुन लो, यस सर। मुनीब, जवेरिया, आयरा, मॉनिटर समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें. जी सर, ये हो गया तो सर जो थोड़ी पीछे की चीजें हैं वो हम पूछ सकते हैं आपसे, जो थोड़ी प्रॉब्लम है सर। हो गया टॉपिक ये तो। पूछा गया था, 4 पॉइंट लिखे हैं एलसीडी के बारे में, देख लो इसको. मैंने अंडरलाइन भी किया, आराम से देखना. एलसीडी के बारे में अभी पढ़ा दिया. नेक्स्ट आ जाओ बेटा. वो कह रहा है बेनिफिट बताएं किसका बेटा? एलसीडी का. मैंने कहा बेनिफिट नंबर वन, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, अहमद ग्रुप पे डालो. बेनिफिट नंबर वन, लो पावर कंजम्पशन. एलसीडी रन करता है कूलर टेम्परेचर पे. हाँ, ब्राइट कलर इमेज है, हायर रेजोल्यूशन इमेज है, चीपर टू परचेज देन एलईडी. चलो नेक्स्ट है आपके पास. जो बैकलाइट सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं एलईडी. एलईडी के क्या क्या फायदे? नंबर वन, रीच मैक्सिमम ब्राइटनेस क्वालिटी. कलर्स विविड होते हैं, नो नीड टू वार्म अप, तो ये लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगा, हायर रेजोल्यूशन. एवरीवन क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले इसके और ग्रुप पे डालें. नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो है क्या? OLED. बच्चों ये OLED को देख रहे हो, नॉर्मल स्क्रीन नहीं है, कर्व स्क्रीन. कौन सी स्क्रीन है बेटा? कर्व स्क्रीन. वेरी लार्ज व्यू मिलता है इसको, और ये कहता है कि तुम किसी भी एंगल से बैठ के देखोगे ना, कोने से भी बैठ के देखोगे, तो तुम्हारा व्यू एकदम क्लियर होगा. तुम्हारा व्यू क्या होगा? एकदम क्लियर. OLED गिव ब्राइटर एंड कंट्रास्ट व्यू. OLED स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड. इट इज अ सेल्फ जनरेटेड बैकलाइट सिस्टम. क्लियर व्यू फ्रॉम ऑल एंगल. कलर एकदम चिकने होंगे, विविड होंगे. फ्यूचर टेक्नोलॉजी. स्क्रीनशॉट ले और ग्रुप पे डालें जल्दी से. अरे यार, आप लोग ग्रुप पे क्यों नहीं डाल रहे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ?
एक और स्क्रीनशॉट कहाँ दिखा? और बाकी मैंने खींचा ही ये वाला सवाल देखने से वो क्या रहा है? आपको बताना है कि सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक लेयर है, ओएलईडी आर मच थिकर, नहीं भाई थिकर नहीं होती, हैवियर भी नहीं होती। ओएलईडी के ब्राइटर, यस। ओएलईडी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यू, यस। ओएलईडी रिक्वायर्स सम ऑफ फॉर्म ऑफ बैकलाइटिंग, ओएलईडी में बैकलाइटिंग थोड़ी होती, वो तो खुद बनाता है ना, तो वो खुद बनाता है। हां, ओएलईडी कंज्यूम मोस्ट पावर देन एलसीडी, यस, क्योंकि वो अपना बैकलाइट खुद बनाता है। ये जरा देखो, मई जून के अंदर अक्टूबर नवंबर में सवाल आया था, इसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, हां स्मार्ट वाइट बोर्ड की बात है। एन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड अलाउ आवर यूजर टू राइट ऑन द सरफेस ऑफ अ पेन यूजिंग ड्राइंग एंड दिस एंड दैट, सही है। एंड डैश प्रिंटर प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी यूजिंग थर्मल बबल एंड पीजो इलेक्ट्रिक, को देखते हुए मैं समझ गया यहाँ पर क्या आएगा, इंकजेट प्रिंटर। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर की दो टाइप्स के बच्चों, कौन कौन सी जरा बताएंगे? थर्मल बबल और पीजो इलेक्ट्रिक, और दूसरी थी क्या, पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, थर्मल बबल एंड पीजो इलेक्ट्रिक। उसके बाद उसने बोला आर डैश, मैंने कहा लेजर प्रिंटर यूजेस आर डैश ड्रम, बोला तो मैं समझ गया ड्रम तो रोटेट हो रहा था ना, रोटेटिंग ड्रम एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये वाला सवाल देख, कह रहा है नेम द यूज एरिया ऑफ मेमोरी जो यूज होता है प्रिंटर। मैंने बताया था प्रिंटर के अंदर जो मेमोरी होता है वो क्या होता है बेटा, सिग्नल कौन सा है बेटा, तो प्रिंटर की जॉब में इस्तेमाल होगा इंट्राफिजा सिग्नल। इसका स्क्रीनशॉट ले और ग्रुप पे डालें जल्दी से। सर मेरा फोन बंद हो गया सर, मुनीब को आप प्लीज बोल दें सर, अभी डाल दो। यस सर डाल दो। ये वाला सवाल देखिए भाई, स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप पे। अरे एक सेकंड वापस देते हैं। सही ठीक है सर डाल। बेटा इस तरीके से अब ये सारे सवाल आपसे हो जाने चाहिए। डन हो गया भाई सर, पूरा हो गया सर सिलेबस। एक मिनट।